में तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? कैसी लड़की चाहिए? जो घूंगी और बहरी हो। पहले बताओ तुम लोग पागल इंसान। जेठानी देवरानी हम दोनों बन के रहे है ना, पुनीत और सूरज को जैसी लड़की चाहिए तो आप लोग ढूंढवा देना। अब जानती हो दूसरों की बातों में ये फुरदेसी ना आ जाती है, जब बोल देता है तो फिर इसकी टेंशन हो जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ ब्रेड पकोड़े के साथ और सुमेश को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो ब्रेड पकोड़े लेके बैठा हूँ। आज हमारे साथ है पुनीत एंड सूरज, देख सकते हैं तो सब ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं। बाकी अभी हम खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को। और बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकोड़ा हो रहा है। सुमेश इधर आओ, निकाल दो। क्या करूँ, पुनीत देख सकते हैं और अभी हम खा रहे ब्रेड पकौड़े। पुनीत खाएगा लिट्टी चोखा, तो अभी हम चलते हैं लिट्टी चौके के पास, वहाँ पर लिट्टी चोखा खाते हैं, बाकी हम मिलते हैं आपको। बाय बाय गाइस। सो गाइस, अभी आ गए देखो चार बंदर काम है, बंदर हो गए, सॉरी तीन बंदर और एक बंदरिया। मुझे क्यों बोल रहे बंदर तुम लोग पागल इंसान। तो ये लोग हमारे साथ चल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं और इनको लिट्टी चोखा खाना है तो इनके लिए लिट्टी चोखा लेंगे। हमने तो अपना ब्रेड पकोड़े खा के खत्म कर दिया ना सर, खाने में तो बहुत तेज है भाई। है भाई सब बता दो ब्लॉग। हम ना कहीं पे भी जाते खाने की स्मेल जहाँ आती है वहाँ घुस जाते हैं, मतलब मेरे साथ तो भूखकर ये भी हो गया है। हाँ ये तो है, पीछे देखो अब हम इसमें बहुत जाते थे, अब हमने ज्यादा बंद कर दिया है ना, अब हम सीधा इधर ही आ जाते हैं। हम सोचते हैं यार स्ट्रीट फूड वालों की भी थोड़ी मदद हो जानी चाहिए, ये नहीं हम रेस्टोरेंट में बैठ कर ही खाए है ना, खुद खा के मदद करके आती है इससे बड़ा मदद तो खाती हूँ तब यार, खाऊंगी तभी तो पैसे लेंगे ना। वही तो कह रहा हूँ, तो फिर वैसे स्ट्रीट फूड खाना नहीं इसे। हाँ खा के मदद भी करनी है। हाँ जी चलो मिलते हैं, बाय, लव यू। सो हे गाइस, और मेरे साथ है सूरज, मैंने पहले भी मिलवा दिया था आप लोगों को और सूरज काफी अच्छा लग रहा है देखने में। एंड सूरज के लिए हम एक न्यू गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं क्योंकि सूरज ने ये जिम्मेदारी मेरे पे सौंपी है, तो उसने बोला कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना और उसको गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए ये पूछ लेते हैं। तो सूरज आप मुझे बताओ आपको गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए? कोई भी मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, कोई भी का मतलब कुछ भी चलेगा। हाँ बताओ, ठीक ठाक से मिल जाए, ठीक ठाक मतलब कैसी चाहिए मुझे ऑडियंस बताओ, ऑडियंस को बताओ कि कौन सी गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब उसमें क्या गुण होने चाहिए। देखिए घूम रहे स्केच, आप लोगों को अपनी फोटो वगैरह बनवा रही हो तो भैया के पास ज़रूर आना, बहुत प्यारी बनाई है, वो आपका भी चेहरा बना देंगे। क्या प्राइस है भैया? प्राइस तो भैया आपको खुद ही बता देंगे, सीपी में आपको मिल जाएंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ये देखो गाइस बहुत ही सुंदर बनाई है। प्राइस भी भैया के पास खुद आएंगे, आप प्राइस इनको बताना, प्राइस बहुत अच्छा लगा देंगे आप लोगों के लिए। बाकी ये कहना चाहते हैं ना, आपका क्या नाम है? ये मेरा इंस्टाग्राम है, इनका इंस्टाग्राम है, तो इन्हें फॉलो कर लेना और आप मिलते हैं सीपी आते हैं तो इन भैया से जरूर मिल लेना, करवाना हो जिसको इंटरेस्ट हो। देखो फीता बांध रहा है, मैं चाहती हूँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जो उसका फीता भी बांध सके है ना, ताकि इसका। तो सूरज बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, किस तरह के गुण चाहते हो? ठीक हो तुम्हारी जैसे हो यार। ठीक ठाक क्या होता है? हाँ तुम्हारी जैसे, मेरी जैसे चाहिए इसको। गाइस तो मेरी जैसे तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं सूरज के लिए ढूंढ दूंगी क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई मेरी कोई प्यारी सी भाभी आ जाए है ना। क्या कह रहे हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई प्यारी सी भाभी आए और मैं सूरज के लिए मतलब वो हम दोनों रहे, भाभी नहीं तो क्या कहते हैं, जेठानी देवरानी जो भी है यार। जेठानी देवरानी हम दोनों बन के रहे है ना, जेठानी देवरानी का जेठानी, हाँ सो मैं भाई और मेरी जेठानी लगी थी, देवरानी है जेठानी जो भी है वो लगी थी। तो मैं चाहती हूँ कि सूरज की आप लोग सूरज को कॉन्टेक्ट कर लेना, जो भी लड़की अगर अवेलेबल है इस टाइम पे तो मिल गई तो इसके इसको लड़की ढूंढवा देना ठीक है। तो बाकी इसके इंस्टाग्राम पे आप चले जाना, इसका इंस्टाग्राम है RPI प्रैंक है ना, फिर सूरज सिंह RPI प्रैंक ही है, सूरज सिंह है, सूरज सिंह तो वैसे नेम है ना। आज की आउटफिट काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, बाकी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और अभी मैं जाती हूँ पुनीत से पूछती हूँ पुनीत को कैसी लड़की चाहिए ठीक है। बाय गाइस लव यू। तो गाइज मैंने आपको जैसा बोला था कि मैं पुनीत से मिलूंगी, मैं पुनीत से पूछूंगी पुनीत को मैं कैसी लड़की चाहिए। ये सुंदर सुशील सुशील चाहिए, मतलब सुशील नाम की लड़की है, लड़का है वो तो
मतलब इसको चाहिए सीधी सादी लड़की जो इसका घर संभाल सके और उसकी मम्मी का ख्याल रख सके, है ना। तो उसको ऐसी लड़की और क्या चाहिए उसमें, और कुछ गुण होने चाहिए और पता नहीं। पुलिस बहुत शर्माता है, मैंने आप लोगों को बताया ना, बहुत ज़्यादा शर्माता है। लेकिन गाइस मैं चाहती हूँ पुलिस को बहुत अच्छी लड़की मिले, क्योंकि पुलिस बहुत डाइटिंग वाली चीज़ें खाता है, तो उसको बना बना के खिलाए और खुद भी खाए। तो बस ये कहना चाहती हूँ, और बाकी पुलिस तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी जैसा तुम चाहते हो। बट हाँ, तुम्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो ऑलरेडी फेमस हो। मतलब कोई ऐसी जो ऑलरेडी फेमस हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं गाइस मैं भी अपनी लाइफ में ना ऐसा लड़का चाहती हूँ जो बिल्कुल सिंपल हो, साधारण हो, और कभी मतलब उसकी यूट्यूब सोशल मीडिया पे कुछ ना हो और बस। लेकिन अब नसीब में जो होता है देखने में थोड़ा ऐसा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हमेशा जो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने। हाँ ये जो हैकर भी होगा ना वो तुम्हें अजीब लगेगा देखने। हाँ वो थोड़े ना सिंपल रहते हैं, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो आप बता देती हूँ ठीक है। तो कभी आप लोगों को कुछ हैक करवाना हो या कुछ भी, सुमेश है ना, सुमेश ये कुछ नहीं करते, चलो चलो सुमेश को भी यही सिखा देता है ना हैकिंग वगैरह करना। बाकी आपको पता चली गया सूरज सुमेश को जैसी लड़की चाहिए थी, तो आप लोग घुमा देना पुनीस और सूरज को जैसी लड़की चाहिए तो आप लोग घुमा देना, और उसे कॉन्टैक्ट कर लेना। पुनीस की भी एक इंस्टा आईडी है, उस पर जाके लड़कियां अगर फ्री हो तो बात करें, फॉलो कर लेना। बताओ मेरी आईडी है प्रताप 0405। तो जरूर जाके इसे फॉलो करना गाइस, जो भी लड़की फ्री है तो ठीक है, सूरज और पुलिस के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ, बाय। अब मैं आती हूँ सुमेश के ऊपर, तो सुमेश तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? कैसी लड़की चाहिए? जो घूंगी और बहरी हो। यही सुनना चाह रही थी, बोल दिया और कुछ बोलूंगा तो भैया यही झगड़ा शुरू हो जाए। कुछ नहीं मैंने सबसे इंट्रो लिया, मैं इसकी बारी अब इससे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? बता दिया मैंने, अब मेरे पास जवाब नहीं है। मजाक नहीं कर रही सुमेश, तुम नहीं, मैं मजाक में भी नहीं बोल सकता मैं। तुम्हें घूमने वाली लड़की चाहिए? नहीं, तो शांत चाहिए बस, मेरी जैसी। मतलब मैं बहुत शांत रहती हूँ गाइस, तो इस वजह से तो है ना। हाँ पकड़ो से, पकड़ो से, पकड़ो से। हाँ गाइस अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ, सुमेश को सच में मेरी जैसी लड़की चाहिए, क्योंकि वो कहता है सना तुम बहुत प्यारी सी हो और बहुत अच्छी हो, और मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में मेरी लाइफ पार्टनर बनी। हाँ हो तो मैं ऐसी, पर हो नहीं इंसान को, समझ गए होंगे आप, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूंगा, तो मुझे इसके ऐसे ही चाहिए। आ जाओ पहले बताओ ऑडियंस को कैसे गाइस, मुझे बिल्कुल हूबहू इसके जैसी चाहिए बस। मैंने बोला था ना गाइस आपको कि इसको मेरी जैसी लड़की चाहिए। हाँ अब जो अपना कंटिन्यू करो। हाँ तो बहुत अच्छा लगा, उसे गुण भी मेरी जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, मतलब हूबहू मेरी, उसको मैं ही चाहिए मतलब। तो सुमेश को तो छोड़ दो, बात खत्म है, क्योंकि सुमेश को जब मैं ही चाहिए तो फिर दूसरी के तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी अब आपको मैंने बता दिया, आपको सूरज और पुलिस के लिए ढूंढना है, मुझे दो भाभियां ला के आप दे देना बस, इतना कहना चाहती हूँ। और मैं क्या बोलूँ, अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ अपने लक्ष्य के ऊपर। बाय गाइस, ऐसी ब्लॉग में बने रहना, बाय बाय। गाइस ये लोग मुझे छोड़ के चले गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब मैं खो गई हूँ यहाँ पर, और ऐसे करना नहीं चाहिए, मुझे छोड़ के चले गए ये गाइस। गीत मत गाएगा, चलो बहुत हो गया तुम्हारा, मजाक बना रखा है पुलिस का हमारा, अरे सकर कान में थी पुलिस, पुलिस कुछ बोलता नहीं है, तुम रहता है। चलो क्या कुछ पूछो बताओ, छोड़ो गाइस मुझे पूछो और चीजें पूछो मेरे, बस यही बोलने वाली थी मैं गाइस, यही बोलने वाली थी। बाकी आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, बेइज्जती करते फिर ब्लॉग की, मैं ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगी लोगों के लिए, फिर ब्लॉग बनाने कुछ फायदा नहीं है, बदतमीजी करते बस ये लोग, इतना बता रही हूँ। बाकी ऐसे ही लव सपोर्ट प्यार करो गाइस, और देखो दिवाली के लिए कितना प्यारा सा सजा रखा है इन लोगों ने, हालांकि हम दिवाली पे इतना थे नहीं, अब आए हैं,
बस कितनी तेज भूख लगी है तुम्हें? तो भाई देखो इतनी भूखी है, गरम गरम क्या बोलते हैं नूडल्स को छोड़ नहीं दिया तो इसका हमेशा ध्यान खाने पर रहता है। गरम पर से भूख कौन सा गरम हो रहा है? दोनों ही गरम हो रहा है। लाओ हाथ पकड़ाओ। नहीं रहने दो। हाँ तो मैं कल लेके भाग रहा हूँ, मैं तो वैसे भी नहीं खाता। मोमोज ले लूँ तुम्हारे लिए? नहीं इतना बहुत है, इतना ही ज्यादा नहीं खाती। बता बोलो तो चार मोमोज भी ले लेता हूँ पनीर वाले। जमीन में बैठ जाओ। चलो उधर खिसको। तो वह देख सकते हो अब खाना शुरू होगा, अब इसकी थोड़ी टेंशन कम हो गई, अभी इसे टेंशन हो गई थी। अब जानती हो दूसरों की बातों में ये फुर्देसी ना आ जाती है, अब आ जाती है तो फिर इसे कोई ना कोई कुछ बोल ही देता है, जब बोल देता है तो फिर इसकी टेंशन हो जाती है, फिर टेंशन हो जाती है तो इसे भूख लग जाती है, भूख लगती है तो फिर खाने लग जाती है। हेलो हेलो हाँ 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 अभी करता हूँ थोड़ी देर में कॉल है। तो खा लो सारा सुन। भैया को भी दिखा दो यार, डाल देना, मेरे दोस्त हैं। क्या मोमो बनाते हैं इनका, मोमो का दुकान है सिटी में, जिसको खाना टेस्टी और अच्छा इनके पास आइए। खा लो। लो मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खाऊं सारा। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी मैं घर जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हमें थोड़ी बहुत रील शूट किया है, हमारी थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो गई थी और फिर वो सॉल्व हो गई है। एंड बाकी सॉल्व ठीक है, ज़्यादा बकवास मत करो मेरे से। बाकी कल हमारी बहुत प्यारी रील्स आएगी, आप लोग सपोर्ट करना, लव देना, प्यार देना, और बस इतना ही कहना चाहते हो, उसके लिए बहुत परेशान करता, बस इतना मैं बता रही हूँ। बाय बाय।